Hi viewers, welcome you all to my new video. Our today's video is about the remaining portion of first unit of Stay Hungry, Stay Foolish. In my last video, I have discussed about the first two paragraphs of Stay Hungry, Stay Foolish. Today we will focus on the remaining two paragraphs of first unit of Stay Hungry, Stay Foolish. In my last video, I have discussed about the writer Steve Jobs, what type of person he has, what type of personality he has, and about the few things about the chapter. And as you all know that that chapter, Stay Hungry, Stay Foolish, is all about the real life event of real life incident of Steve Jobs. Okay, in our first unit, the writer, the narrator, described about his birth. We all know that how he was born, how he came to the world, okay, and who was the person who upbring him. This thing we have discussed in our last video. Before going to the text, we just have a look on our previous class discussion. तो नुआ chapter को पढ़ीबा विषय रे नुआ unit को जी नुआ passage को जीबा पुरबुरु आमे टिके देखि नबा नजर पके दबा कि आमे last video रे जो first दीटा unit विषय रे कोन आमे वर्णना करितलु. तो मु जस्ट तमको कहितली कि ए जो chapter टा अछि एटा गोटे speech अछि Stanford University रे जो speech दबा को जाइथले के स्टीव जॉब्स जाइथले से समय रा स्पीच टाकु एथरे आमे पढुछु. ओके, एंड ही कंसीडर हिमसेल्फ फॉर्चुनेट दैट से निजो को भाग्यशाली माने करूथले एथि पई कि से कॉलेज एजुकेशन कंप्लीट करि नथले सत, किंतु से कॉलेज स्टूडेंट को सामना रे ठिया है कि निजर अभिभाषण रखुछंती. एटा तांकर फॉर्चून थिला, एटा तांकर सौभाग्य थिला. ओके, एंड से स्टूडेंट मान को कोन कहिले कि आई जस्ट वांट टू रिवील यू, आई जस्ट वांट टू address, I just want to tell you about my life story. Okay, about my story, the three real story of his life he just want to reveal in front of the learn audience, in front of the graduate student. Okay, to se kon koitele first kahile ki tankara se first story jo ta thila tankara birth bisay re thila se relate thila tankara kon college education ku neki. To first ame janiba ku pailu ki se jane इलेजिटिमेट चाइल्ड थिले. ओके, काहेकि ना तांकर मदर जे थिले से अनवेड थिले, अविवाहित कॉलेज ग्रेजुएट थिले, तो सेति पई से निजर इलेजिटिमेट चाइल्ड को अडॉप्शन पई दे देबा पई चाहू थिले. एंड तांकर गोटे डिजायर थिला, कोन डिजायर थिला कि जे भी तांको पिला को अडॉप्ट करिवो से गोटे से कपल जणे से कपल दि जण कोन थिबे ग्रेजुएट थिबे, कॉलेज ग्रेजुएट थिबे. ए कंडीशन टा तांका मदर कर थिला, बायोलॉजिकल मदर जे तांकर जन्मदात्री मा थिले तांका कंडीशन थिला. तो सेति पई से जेते बडे जे तांकर बायोलॉजिकल मदर तांकु जे ताहा को अडॉप्ट कर देले, अडॉप्शन पई देले, तो से फाइंड आउट करले कि से कोन थिले से माने से कपल ग्रेजुएट नथिले. तो ऑब्वियसली से तांकर विल साइन करिया पई से अडॉप्शन पेपर साइन करिया पई टिके हेजिटेट हेले. तो लास्ट को से जेते बेरे राजी हेले, को कंडीशन रे राजी हेले, तांकर फोस्टर फादर, फोस्टर मदर जेते बेरे तांकु कोन आश्वासना देले कि ए पिलाटा जेते बेरे बड़ हबो आमे निश्चय ताकु कॉलेज रे पाठ पढ़ेबू. तो एतिक आश्वासना पाइबा परे तांकर बायोलॉजिकल मदर तांकर फोस्टर पेरेंट्स को कोन कले हैंडओवर कर देले. ओके, तो सेथि पई तार परिणाम स्वरूप से कहले मु जेते बेरे 17 वर्ष वयस रहली मु कॉलेज रे पाद थापिली. ओके, किंतु कॉलेज एजुकेशन तांका पई एते इजी नथिला, काहेकि ना तांकर जो वर्किंग क्लास पेरेंट्स थिले, तांकर जो फोस्टर पेरेंट्स थिले से माने वर्किंग क्लास फैमिली रो बिलोंग करूथले. तो से हमर स्टीव जॉब्स जेते बेले गोटे कॉलेज रे एडमिशन नेले से रीड कॉलेज बहुत हाईफाई कॉलेज थिला,
ओके एक्सपेंसिव कॉलेज थिला जिथरे असुविधा कोन हैला कि तांका वर्किंग पेरेंट्स कर जो 6 मंथ रो सैलरी थिला वर्किंग पेरेंट्स रो जो लाइफ लॉन्ग सेविंग थिला तो स्टीव जॉब्स कर 6 मंथ रो एजुकेशन रे से कंप्लीटली एंड हे जेतला ओके तो सेतिबाय से फर्दर एजुकेशन टाकु इजीली स्विफ्टली कंफर्टेबली कंटिन्यू करि परले नाही 6 मास कल कॉलेज रे पाठ पढिया पोरे से कोन गले सेथिरे निवृत्त हवा पई से कंप्लीटली डिसाइड कर सारी थे कि जस्ट ही जस्ट वांट टू क्विट द एजुकेशन ही जस्ट वांट टू ड्रॉप आउट फ्रॉम द कॉलेज क्लास बट इंटरेस्टिंग थिंग एटा थिला हमें कल डिस्कस करथलो कि तांको ड्रॉप आउट हवा परे ओके कोन से जो क्लास टा तांको भलो लागु नथिला सेटा करू नथिले जोटा भलो लागुथिला से गोटे पर्टिकुलर क्लास रे से जाई कि बसुथिले तो वर्तमान से स्टूडेंट मानको एड्रेस कला बेले कहउछंती जे मु से समय रे 17 इयर्स एज रे जो डिसीजन टा नै थिले सेटा स्केरी थिला बहुत भयंकर डिसीजन टा थिला से समय रे ओके किंतु आज मु जो पोजीशन रे ठिया हिछि ए पोजीशन रे ठिया हि कि मु जते बेले पछु को देखुछि ओके पछु को जते बेले मु तर्जमा करूछि तो मु पाउछि कि से डिसीजन टा मोर बेस्ट डिसीजन थिला मो लाइफ रे जोते बेले मु कॉलेज रु ड्रॉप आउट हेथिले यदि ड्रॉप आउट हे नथांती आज मु एते बड़ सफल मनिष हे पारि नथांती तो वर्तमान आमे नेक्स्ट पैसेज को जीवा फर्स्ट यूनिट रो पार्ट 2 दैट मींस मु तमको कहिथिले कि यूनिट टा बड़ बड़ अछि सेति पई आमे कोन करबा यूनिट टा को दि भाग रे विभक्त करिकि दिटा वीडियो रे आमे कोन डिस्कशन करबा तो वर्तमान आमे सेकंड वीडियो एटा होछि स्टे हंग्री स्टे फिल्स रे एटा सेकंड वीडियो जोथरे कि यूनिट 1 रो पार्ट 2 दैट मींस रिमेनिंग दिटा जो पैसेज को आमे डिस्कशन करबा ओके तो बिफोर गोइंग टू टेक्स्ट आई हैव अ रिक्वेस्ट टू यू ओके प्लीज वॉच दिस वीडियो टिल द एंड टू गेट द कंप्लीट इन्फॉर्मेशन अबाउट द चैप्टर ओके तो ये यूनिट विषय रे कंप्लीट इन्फॉर्मेशन पाइबा को हेले तमानको संपूर्ण वीडियो टाकु देखिबा को पडिबो एंड वीडियो टा देखि सारला परे तमको जदि भलो लागे तो लाइक करिबो शेयर करिबो संग मानको सहित एंड सबोट इंपोर्टेंट जिनिस मो चैनल टाकु सब्सक्राइब करिबो एंड सब्सक्राइब कला जो बेल आइकन टा अछि से बेल आइकन टाकु क्लिक कले जो जो न्यू वीडियोस मो अपलोड करबी सेथिरे तमको माने कोन अर्ली नोटिफिकेशन टा तमको मिलि जिवो वीडियो अपलोड हवा संगे संगे तमको नोटिफिकेशन आसी जिवो न्यू वीडियो रो नोटिफिकेशन आसी जिवो तो वर्तमान आमे कोन करबा जिबा नेक्स्ट पैसेज को जिबा देखिबा नेक्स्ट पैसेज रे कोन सब नरेट हेछि कोन सब राइटर निजरा लाइफ विषय रे कोन कोन सब वर्णना करिछंती तो कॉलेज रु से जेतले ड्रॉप आउट हे कि से कैंपस भीतर रहिले केमिति से मैनेज कले तांको लाइफ टाकु केमिति से क्लास गोटे क्लास रे जाई बसुथिले एंड खाइबा पिबा से केमिति मैनेज कले तांकर जहां सब एक्सपेंडिचर थिला केमिति मैनेज कले से सब विषय रे आमे देखिबा विस्तृत भाव रे वर्णना करिबा स्टे हंग्री स्टे फुलिश बाय स्टीव जॉब्स यूनिट 1 रो रिमेनिंग पैराग्राफ को आमे जिबा देखिबा से रिमेनिंग पैराग्राफ रे कोन सब अछि राइटर कोन कहिछंती जे लाइफ को नेगी It was not all romantic. I did not have a dorm room, so I slept on the floor in friends' rooms. I returned Coke bottles for the 5-cent deposits to buy food with, and I would walk the 7 miles across town every Sunday night to get one good meal a week at the Hare Krishna temple. तो जस्ट यही पैसेज रो पूर्वर आम लास्ट वीडियो रे जानिथलु मु वर्तमान भी तुमको जस्ट इंट्रोडक्शन बेले कहली कि से जेते बेले तांको पाखरे तांको पेरेंट्स को पाखरे धन संपत्ति सरीगला पैसा सरीगला कि स्कूल फीस दबार तो से बाध्य हेले निजर पाठ पढ़ा रे डोरी बांधिबा पई ड्रॉप आउट हे गले ओके कॉलेज रो क्लास टाकु ड्रॉप आउट कर देले किंतु ड्रॉप इन हे कि से रहिले कोठी हॉस्टल रे रहिले एंड से कहउछंती इट वाज नॉट ऑल रोमांटिक दैट मींस से निजे एडमिट करउछंती कि एटा तांको पई एते इजी टास्क नथिला से जते बेर ड्रॉप आउट हे गले कॉलेज रु तांको लाइफ टा एते स्मूथ गति करू नथिला इट वाज नॉट ऑल रोमांटिक आई डिड नॉट हैव ए डॉर्म रूम तो कॉलेज रु से ड्रॉप आउट हे गले सते किंतु से कॉलेज माने नॉन ऑफिशियली छाड़ी दे थिले हॉस्टल छाड़ी दे थिले किंतु से सांग मानक पाखरे रहुथले कल निजरो डॉर्म रूम नथला डॉर्म रूम कहा जाए हॉस्टल रो रूम जोठी कि एका संग रे एकाधिक पिला माने गोटे रूम रे रहंती ताकु डॉर्म बोली कहा जाए
ओके से रूम नथिला दैट मींस हॉस्टल तांकर निजस्व बोली गोटे रूम टा नथिला निजस्व बोली गोटे बेड नथिला रहिबा पई से कोन करथले सोउथले कोटी ही स्लेप्ट ऑन द सो आई स्लेप्ट ऑन द फ्लोर इन फ्रेंड्स रूम्स संग मानक रूम रे चटाण रे से सोई पडुथले फ्लोर रे से रेस्ट नउथले आई रिटर्न कोक बॉटल्स फॉर द 5 सेंट डिपॉजिट्स टू बाय फूड विथ एंड आई हैव वी हैव नो दैट वी हैव come to know that he has very difficulties, financial difficulties arises, okay, and even he has not a single amount left for his smooth survival or smooth consumption of food. He has to struggle a lot for collecting his food. That's why he collected the ruined bottles of Coke and he exchanged that for buying his necessary food. That means jo Coke bottle thila soft drinks ra jo bottle ta thila empty bottle ta ku se ta ku gotau thile rasta re prati bottle ku 5 cent re okay dollar ra smallest unit hochi cent okay 100 cent is $1 ओके तो 5 सेंट रे गोटे बॉटल को एक्सचेंज करूथले एंड सेमिति किछि बॉटल टा गोटे की स्वल्प परिमाण रो तांकर पाखरे अमाउंट होतला जहा को देकी से फूड परचेस करूथले एंड आई वुड वॉक द 7 माइल्स अक्रॉस टाउन एवरी संडे नाइट टू गेट वन गुड मील अ वीक एट द हरे कृष्ण टेम्पल ओके अमेरिका रे अवस्थित थिबा हरे कृष्ण टेम्पल हिंदू टेम्पल रे से एवरी संडे जाई की पहुँची जाऊले कि सेठी गोटे सम्पचुअस अमाउंट ऑफ मील तंकु मिलुथला खाइबा पई फ्री ऑफ कॉस्ट मिलुथला तो सेटा को अवेल करिवा पई तंकु भी एते सहज हो नथला तंकु कष्ट करिवा को पडुथला से जोठी रहुथले रीड कॉलेज रे जो हॉस्टल रे संग मान पाखरे रहुथले सेठु नियर अबाउट 7 किलोमीटर सॉरी 7 माइल्स कौन डिस्टेंस को कवर करुथले बाय फुट कवर करी कि सेठी की जाऊथले कौन गोटे सम्पचुअस अमाउंट ऑफ मील वीकली अवेल करिवा पाई संडे रे से टेम्पल रे हरे कृष्ण टेम्पल रे ओके लंगर होतला तो सेठी फ्री ऑफ कॉस्ट रे फूड प्रोवाइड कराउतला ताको अवेल करिवा पाई 7 माइल्स बाटो से चली की जाऊथले ओके आई लव्ड इट ही सेड दैट ही लव्ड दैट सम्पचुअस अमाउंट ऑफ मील व्हिच वाज प्रोवाइडेड इन हरे कृष्ण टेम्पल ओके निश्चित भाव में अरुआ भात डालमा थी भल लगुला ओके एंड आम देशी खाद्य आमको बहुत भल लगे निश्चित भाव में से जड़े कौन अमेरिकन थिले देशी खाद्य बहुत भल लगुवे कहते आई लव्ड इट एंड मच ऑफ व्हाट आई स्टम्बल्ड इनटू माय बाय फॉलोइंग माय क्यूरियोसिटी एंड इंट्यूशन टर्न आउट टू बी प्राइसलेस लेटर ऑन okay let me give you one example and much of what I stumbled into by following my curiosity and intuition turn out to be priceless later on okay tankar gote positivity se thila ki tankar jo intuition thila that means mano jaha kouthla kariba pai tankar ichha jota houthla kariba pai se sita ko follow karuthle okay tankar curiosity jota thila curiosity means nua nua jinsa janibara jo agrah thila ओके न्यू न्यू फैक्ट्स विषय में ज्ञान आहरण करने नॉलेज गेन करने जो जिल टा थी से सब सीटा को फॉलो करते एंड लैटर ऑन दैट मीन्स लैटर लाइफ रे से प्राइसलेस उभा ही थला दैट मीन्स से जो पाठ छाड़ला जो जो जिनस रे जो जो क्षेत्र रे से ध्यान टाक केन्द्रित करुले कि जानापी से इच्छा प्रकाश करुले निश्चित भाव में जाणी संपूर्ण भाव में जाणी छाड़ू ओके से नलेजा आउटर नलेज ओके अपार्ट फ्रॉम द बुक नॉलेज एते आगो को बढ़े साहय करथिला लेट मी गिव यू वन एग्जांपल तो एग्जांपल से कौन दौरान देख देख कि अपार्ट फ्रॉम एजुकेशन को जिनस से एक्सिल करथिले को जिनस से तांकर अटमोस्ट और 100% हमें कही पारिबा 100% इफोर्टा देथिले एंड जानिथिले Let me give you one example. Reed College at the time offered perhaps the best calligraphy instruction in the country.
ତ ଗୋଟେ ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ ଦେଉଛନ୍ତି ଯେ ତାଙ୍କର ନିଜର କ୍ୟୁରିଓସିଟି ବିଷୟରେ ତାଙ୍କର ଆଗ୍ରହ ଜାଣିବାର ଇଚ୍ଛା ଶକ୍ତି ବିଷୟରେ ଗୋଟେ ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ ଦେଉଛନ୍ତି କି ସେ ସମୟରେ ରିଡ୍ କଲେଜ ଯେଉଁ କଲେଜରେ ସେ ନାଁ ଲେଖାଇଥିଲେ 6 ମାସ ପଢ଼ିବା ପରେ ଡ୍ରପ୍ ଆଉଟ୍ ହୋଇଯାଇଥିଲେ ସେ କଲେଜ ସେ ସମୟରେ ଆମେରିକାରେ ବେଷ୍ଟ କ୍ୟାଲିଗ୍ରାଫି ଇନ୍ଷ୍ଟ୍ରକ୍ସନ୍ ଦେଉଥିଲେ କ୍ୟାଲିଗ୍ରାଫି କୁହାଯାଏ ଆର୍ଟ ଅଫ୍ ରାଇଟିଂ ହ୍ୟାଣ୍ଡସମ୍ ଅର୍ ଗୁଡ୍ ହ୍ୟାଣ୍ଡ ରାଇଟିଂ ଓକେ ସୁନ୍ଦର ଅକ୍ଷର ଲେଖିବାର ଓକେ ଡିଜାଇନରେ ଲେଟର ଲେଖିବାର ଯେଉଁ ଆର୍ଟକୁ କଳାକୁ ଓକେ କ୍ୟାଲିଗ୍ରାଫି ବୋଲି କୁହାଯାଏ ଓକେ ଆଣ୍ଡ କ୍ୟାଲିଗ୍ରାଫି ପ୍ରୋଭାଇଡ଼ କରୁଥିଲା କିଏ ରିଡ୍ କଲେଜ ସେ ସମୟରେ ଫ୍ରି ଅଫ୍ କଷ୍ଟ କ୍ୟାଲିଗ୍ରାଫି ପ୍ରୋଭାଇଡ଼ କରୁଥିଲା ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ମାନେ ଯେଉଁମାନେ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟେଡ଼ ଥିଲେ ସେମାନେ ସେ କ୍ୟାଲିଗ୍ରାଫି କ୍ଲାସ୍ଟାକୁ ନେଉଥିଲେ ଫ୍ରି ଅଫ୍ କଷ୍ଟ ଓକେ ଥ୍ରୁଆଉଟ୍ ଦ କ୍ୟାମ୍ପସ୍ ଏଭ୍ରି ପୋଷ୍ଟର ଏଭ୍ରି ଲେବଲ୍ ଅର୍ ଏଭ୍ରି ଡ୍ରୟର ୱାଜ୍ ବ୍ୟୁଟିଫୁଲି ହ୍ୟାଣ୍ଡ କ୍ୟାଲିଗ୍ରାଫ୍ଟ ଓକେ ତ ରିଡ୍ କଲେଜରେ ଏଇ କୋର୍ସଟାକୁ ଫ୍ରି ଅଫ୍ କଷ୍ଟ ଦିଆଯାଉଥିଲା ଓକେ ପିଲାମାନେ ବି ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲ ତା'ର କରୁଥିଲେ କେମିତି ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲ କରୁଥିଲେ କ୍ୟାମ୍ପସ୍ରେ ଯେଉଁ ପୋଷ୍ଟର ଲାଗୁଥିଲା ଯେଉଁ ବ୍ୟାନର ଲାଗୁଥିଲା ଲେବଲ୍ ଲାଗୁଥିଲା ଓକେ ଡ୍ରୟର୍ରେ ଯାହା ସବୁ ଲେବଲିଂ ହେଉଥିଲା ସେସବୁରେ ପିଲାମାନେ ନିଜ ନିଜ ହ୍ୟାଣ୍ଡିକ୍ରାଫ୍ଟ ମିନ୍ସ ହ୍ୟାଣ୍ଡ ଆର୍ଟ କରିକି କ୍ୟାଲିଗ୍ରାଫି ଗୁଡ୍ କ୍ୟାଲିଗ୍ରାଫି କରିକି ହିଁ ସେଥିରେ ଲଗାଉଥିଲେ ଓକେ ତାହାଦ୍ୱାରା ସେମାନଙ୍କର ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ ବି ହୋଇଯାଉଥିଲା ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲ ବି ହୋଇଯାଉଥିଲା ଓକେ ବ୍ୟୁଟିଫୁଲ୍ ହ୍ୟାଣ୍ଡ ରାଇଟିଂର ବିକଜ୍ ଆଇ ହ୍ୟାଡ଼୍ ଡ୍ରପ୍ଡ ଆଉଟ୍ ଆଣ୍ଡ ଡି ନଟ୍ ହ୍ୟାଭ୍ ଟୁ ଟେକ୍ ଦ ନର୍ମାଲ୍ କ୍ଲାସେସ୍ ଆଇ ଡିସାଇଡେଡ୍ ଟୁ ଟେକ୍ ଏ କ୍ୟାଲିଗ୍ରାଫି କ୍ଲାସ୍ ଟୁ ଲର୍ନ ହାଉ ଟୁ ଡୁ ଦିସ୍ ଓକେ ତ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଏକ୍ସଟ୍ରା ବେନିଫିଟ୍ ପିଲାମାନେ ଆଭେଲ୍ କରୁଥିଲେ କିନ୍ତୁ ଷ୍ଟିଭ୍ ଜବ୍ସଙ୍କ କ୍ଷେତ୍ରରେ କ'ଣ ହୋଇଥିଲା ଆହୁରି ଗୋଟେ ଅପରଚ୍ୟୁନିଟି ଥିଲା କି ତାଙ୍କୁ ପାଠ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ କିଛି ନଥିଲା କାହିଁକିନା ସେ ମାଇଣ୍ଡ ମେକଅପ୍ କରିଦେଇଥିଲେ କି ଏ ପାଠଟା ମୋତେ କୌଣସି ମୋତେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ ନାହିଁ କୌଣସି କ୍ଷେତ୍ରରେ ମୋତେ ଆଗକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ ନାହିଁ ବୋଲି ସେ ଦୂରଦୃଷ୍ଟିରେ ଭାବି ନେଇଥିଲେ ଦେଖି ନେଇଥିଲେ ସେଇଥିପାଇଁ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ପ୍ଲେଣ୍ଟି ଅଫ୍ ଟାଇମ୍ ଥିଲା ଆବୁଣ୍ଡାଣ୍ଟ ଆମାଉଣ୍ଟ ଅଫ୍ ଟାଇମ୍ ଥିଲା କି କ୍ୟାଲିଗ୍ରାଫି କ୍ଲାସ୍ରେ ଡେଡିକେଟେଡ଼ଲି ବସିବା ପାଇଁ ଓକେ ତ ଯେଉଁ ସେଥିରେ କ୍ୟାଲିଗ୍ରାଫି କ୍ଲାସ୍ରେ କ'ଣ ଫିସ୍ଟା ଦେବାକୁ ପଡ଼ୁନଥିଲା ଆମାଉଣ୍ଟ ପେଡ୍ କରିବାକୁ ପଡ଼ୁନଥିଲା ସେଥିପାଇଁ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ସେଇଟା ଇଜି ହୋଇଥିଲା ଓକେ ଆଣ୍ଡ ତାଙ୍କ ପାଖରେ କ'ଣ ସମୟ ବି ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ଥିଲା ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ସେ କ'ଣ କଲେ ସେ କ୍ଲାସ୍ରେ ଯାଇକି ବସିଲେ ଲର୍ନ କଲେ କେମିତି ଏ କ୍ୟାଲିଗ୍ରାଫିଟା ପିଲାମାନେ ଶିଖୁଛନ୍ତି ସେଇଟା ଜାଣିବା ପାଇଁ ସେ ଇଚ୍ଛା ପ୍ରକାଶ କଲେ ଆଇ ଲର୍ନ ଆବାଉଟ୍ ସେରିଫ୍ ଆଣ୍ଡ ସାନ୍ସ ସେରିଫ୍ ଟାଇପ୍ ଫେସ୍ ଓକେ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଫଣ୍ଟ ଅଛି ଯେଉଁମାନେ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ବିଷୟରେ ଜାଣିଥିବ ଲେଟର ବିଷୟରେ ଜାଣିଥିବ ଟାଇପ୍ ବିଷୟରେ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଫଣ୍ଟ ଅଛି ଓକେ ଟାଇପ୍ ଅଫ୍ ଫେସ୍ ତାକୁ କୁହାଯାଏ ଅର୍ ଡିଜାଇନ୍ ବି ଆମେ କହିପାରିବା ଲେଟରର ଡିଜାଇନ୍ କରିପାରିବା ଏଇଟା ହେଉଛି ସେରିଫ୍ ଆଣ୍ଡ ସାନ୍ ସେରିଫ୍ ଓକେ ସେରିଫ୍ ଆଣ୍ଡ ସାନ୍ ସେରିଫ୍ଟା ହେଉଛି ଲେଟରମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଗୋଟେ ଗ୍ୟାପିଂ କରିକି ଲେଖାଯାଏ ଯେଉଁଟା ଦେଖିବାକୁ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଲାଗେ ଓକେ ତ ସେଇ ଟାଇପ୍ ଅଫ୍ ଫେସ୍କୁ ସେଇ ଫଣ୍ଟକୁ ସେ ଚୁଜ୍ କଲେ ସେଇ ଫଣ୍ଟରେ ସେ କ୍ୟାଲିଗ୍ରାଫି ଶିଖିବା ଆରମ୍ଭ କଲେ ଓକେ ଆଇ ଲର୍ନ ଆବାଉଟ୍ ସେରିଫ୍ ଆଣ୍ଡ ସାନ୍ସ ସେରିଫ୍ସ ଟାଇପ୍ ଅଫ୍ ଫେସ୍ ଆବାଉଟ୍ ଭେରାଇଂ ଦ ଆମାଉଣ୍ଟ ଅଫ୍ ସ୍ପେସ୍ ବିଟୁଇନ୍ ଡିଫରେଣ୍ଟ ଲେଟର୍ସ କମ୍ବିନେସନ୍ ଆବାଉଟ୍ ହ୍ୱାଟ୍ ମେକ୍ସ ଗ୍ରେଟ୍ ଟାଇପୋଗ୍ରାଫି ଗ୍ରେଟ୍ କହିଲେ ଏଥିରେ ଯେଉଁ ସେରିଫ୍ ଆଣ୍ଡ ସାନ୍ସ ସେରିଫ୍ ଟାଇପ୍ ଅଫ୍ ଫେସ୍ରେ ଅର୍ ଫଣ୍ଟରେ କ'ଣ ହୁଏ ଲେଟର୍ମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ୱାର୍ଡ଼ମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଭେରିଏସ୍ ଗ୍ୟାପିଂ ଦେଇକି ତାକୁ ବ୍ୟୁଟିଫୁଲ୍ କରାଯାଏ ସେ ଆର୍ଟଟାକୁ ସେ କମାଣ୍ଡ ନିଜ କମାଣ୍ଡକୁ ନେଲେ ଓକେ ଆଣ୍ଡ ଇଟ୍ ମେକ୍ସ ଗ୍ରେଟ୍ ଟାଇପୋଗ୍ରାଫି ଗ୍ରେଟ୍ ଓକେ ତ କହିଲେ ଏଇ ଯେଉଁ ସେରିଫ୍ ଆଣ୍ଡ ସାନ୍ସ ସେରିଫ୍ ଥିଲା ସେଥିରେ ଯେଉଁ କ୍ୟାଲିଗ୍ରାଫି କଲେ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଲାଗୁଥିଲା ଇଟ୍ ୱାଜ୍ ବ୍ୟୁଟିଫୁଲ୍ ହିଷ୍ଟୋରିକାଲ ଆର୍ଟିଷ୍ଟିକାଲି ଷ୍ଟପ୍ ଷ୍ଟିଲ୍ ଇନ୍ ଏ ୱେ ଦ୍ୟାଟ୍ ସାଇନ୍ସ କ୍ୟାଣ୍ଟ କ୍ୟାପ୍ଚର୍ ଆଣ୍ଡ ଆଇ ଫାଉଣ୍ଡ ଇଟ୍ ଫ୍ୟାସିନେଟିଂ ଦ୍ୟାଟ୍ ମିନ୍ସ ହି ୱାଜ୍ ଫ୍ୟାସିନେଟେଡ଼୍ ବାଇ ଦ ବ୍ୟୁଟିଫୁଲ୍ ହ୍ୟାଣ୍ଡ ରାଇଟିଂ ହି ୱାଜ୍ ଫ୍ୟାସିନେଟେଡ଼୍ ବାଇ ଦ କ୍ୟାଲିଗ୍ରାଫି କ୍ଲାସ୍ ଓକେ କ୍ୟାଲିଗ୍ରାଫି କ୍ଲାସ୍ ଦ୍ୱାରା ସେ ଫ୍ୟାସିନେଟେଡ଼୍ ହୋଇଗଲେ ମିନ୍ସ ଆଟ୍ରାକ୍ଟ ହୋଇଗଲେ ତା ପଛରେ ପଡ଼ିଗଲେ ସେ ଓକେ ତାକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଶିଖିବା ପାଇଁ ଆଗ୍ରହ ପ୍ରକାଶ କଲେ କହିଲେ ଏଇଟା ଏ ଯେଉଁ କ୍ୟାଲିଗ୍ରାଫିଟା ରହୁଥିଲା ସାଇନ୍ସ କ୍ୟାଣ୍ଟ କ୍ୟାପ୍ଚର୍ ଇଟ୍ ଦ୍ୟାଟ୍ ମିନ୍ସ ଦ୍ୟାଟ୍ ୱାଜ୍ ବିୟଣ୍ଡ ସାଇନ୍ସ ଓକେ ସାଇନ୍ସର ପାର ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱରେ ଥିଲା ବହୁତ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱରେ ଥିଲା ଦ୍ୟାଟ୍ ମିନ୍ସ ଭେରି ବ୍ୟୁଟିଫୁଲ୍ ଭେରି କ୍ୟାଚି ଥିଲା ସେଇଟା ଓକେ ଇଟ୍ ୱାଜ୍ ହିଷ୍ଟୋରିକାଲ ଆଣ୍ଡ ଆର୍ଟିଷ୍ଟିକ ଖାଲି ସବ୍ଟିଲ୍ ସବ୍ଟିଲ୍ ମିନ୍ସ ଭେରି ସ୍ମୁଥ୍ ଭେରି ଆଟ୍ରାକ୍ଟିଭ୍ ଭେରି ଲୁକ୍ରେଟିଭ୍ ଆମେ କହିପାରିବା ଓକେ ଆଣ୍ଡ ଆର୍ଟିଷ୍ଟିକାଲି ଥିଲା ଦ୍ୟାଟ୍ ମିନ୍ସ ଦେଖିବାକୁ ବହୁତ ମନଲୋଭା ସୁନ୍ଦର ହେଉଥିଲା ଏଇଲା ରାଇଟିଂ ଆଣ୍ଡ ସେ ସେରିଫ୍ ଆଣ୍ଡ ସାନ୍ସ ସେରିଫ୍ର କେଉଁଥିରେ ପଛରେ ପଡ଼ିଯାଇଥିଲେ ଆଣ୍ଡ ସେଇ ଟାଇପ୍ ଅଫ୍ ଫେସ୍ଟାକୁ ସେ ଲର୍ନ କରିଥିଲେ ଓକେ ସେଇଟା କେମିତି ତାଙ୍କୁ ଫର୍ଦର କ'ଣ କରିଥିଲା ସାହାଯ୍ୟ କରିଥିଲା ସେଇଟା ଆମେ ଦେଖିବା None of this had even a hope of any practical application in my life. But 10 years later,
when we were designing the first Macintosh computer, it all came back to me. तो स्टीव जॉब्स कहिले ये जो टाइपोग्राफी से कैलीग्राफी से सीखुथले टाइपोफेस जो सीखुथले सेरिफ एंड सेंस सेरिफ तो फ्यूचर रा कौनो सी कलाना करेगी से सीखी न थिले ओके जे ही जस्ट सिट इन द कैलीग्राफी क्लास टू किल हिज टाइम टू पास हिज टाइम निजर समय को अतिवाहित करिवा पाई समय बितेवा पाई से जाईकि से क्लास रे बसुतले तांकर किछि धारणा नथिला कि ये कैलीग्राफी क्लास टा कैलीग्राफी जो राइटिंग टा से सिखुथले से फ्यूचर रे तांकु कोन सहाय्य करिवो को प्रकार सहाय्य करिवो एडा तांकर कोनोसी धारणा नथिला बट 10 इयर्स लेटर व्हेन वी वर डिजाइन द फर्स्ट मैकिंटोश कंप्यूटर इट ऑल केम बैक टू मी तो कहिले 10 वर्ष परे दैट मींस 17 इयर्स रे से कॉलेज पाठ पढ़ा छाड़ीथले एंड सेते बेले से कैलीग्राफी सिखिथिले 10 इयर्स लेटर 10 वर्ष परे 27 वर्ष बयस रे जते बेले से एप्पल रो प्रथम कंप्यूटर टा इन्वेंट करथिले मैकिंटोश नारा कंप्यूटर से फर्स्ट कंप्यूटर रो नाथ छि मैकिंटोश ताकु जते बेले से इन्वेंट करथिले सेते बेले टाइपोफेस इंसर्ट करिवार समय आसीथिला ओके लेटर टा डिजाइनिंग लेटर टा को इंसर्ट करिवार जते समय आसीथिला त से समय रे कहउछन्थि सब मते मने पडिगला ओके एंड सेते बेले मोर बेनिफिट रे आसीला मोर पॉजिटिव हेल्प रे आसिला कौन जोटा कि मुझ वर्थलेस बोली भावुली 17 वर्ष बयस मुझ टाइपोफेस सीखुली ओके सेरिफ एंड सैन सेरिफ एंड कैलीग्राफी सीखुली तार कौन सी प्राक्टिकाल इम्प्लीमेंटेशन मो लाइफ हम बोली मुझ आशा करी किंतु जो नुआ कंप्यूटर उद्भावन कले से निश्चित भाव से कंप्यूटर से सब जिनटा को फिड कले ओके इट ऑल कम टू मी एंड वी डिजाइन इट ऑल इन टू द मैक कहे मुझा सीखी टाइपोग्राफी जहाँ सीखी कैलीग्राफी जहाँ सीखी तो यहाँ को मुझे इनसर्ट कली कौन मैक आम इनस्टल कलु डिजाइन कलु मैकिंटोश इट वाज़ द फर्स्ट कंप्यूटर विथ ब्यूटीफुल टाइपोग्राफी तो से समय रे सेटा फर्स्ट कंप्यूटर थिला ओके दैट मीन्स नियर अबाउट 1970s रे जो मैकिंटोशटा डेवलप होता ओके तो फर्स्ट डिजाइनिंग कंप्यूटर थिला जो थे कि टाइपोग्राफी ताको इंसर्ट करा जाता इट वाज फर्स्ट कंप्यूटर विथ ब्यूटीफुल टाइपोग्राफी तो ये से कहते कि से फर्स्ट थिले एप्पल कंपनी फर्स्ट थिला कि कंप्यूटर रे टाइपिंग टाकु इंस्टॉल करी बारे टाइपिंग टाकु कौन कर डिजाइन करी बारे इफ आई हैड नेवर ड्रॉप्ड इन ऑन दैट सिंगल कोर्स इन कॉलेज द मैक वुड हैव नेवर हैड मल्टीपल टाइपोफेस और प्रोपोर्शनली स्पेस्ड फंड्स तो ये से गोटे जिनस मन पका कि जदि मो ड्रॉप आउट हो न था कौरे रेगुलर कोर्स रु ड्रॉप आउट हो न था एंड कैलीग्राफी क्लास रे ड्रॉप इन हो न था निश्चित भाव रे मैकिंटोश रे से ब्यूटीफुल डिजाइनिंग लेटर टा को इनसर्ट करी परी न थांते दैट मीन्स से एबे कहउछंती मु जो 17 इयर्स रे जो डिसीजन टा नहीं थिली ड्रॉप आउट हो जाइली रेगुलर कोर्स रु एंड कैलीग्राफिक कोर्स रे इनसर्ट होइथिली कैलीग्राफी कोर्स रे ड्रॉप इन होइथिली दैट वाज द बेस्ट डिसीजन आई हैव टेकन इन माय लाइफ एंड सिंस विंडोज जस्ट कॉपीड द मैक इट्स लाइकली दैट नो पर्सनल कंप्यूटर वुड हैव देम तो कहिले कि ये टाइपोफेस को विंडोज जोटा कि माइक्रोसॉफ्ट रो गोटे प्रोग्राम अच्छी से कॉपी करूला से नौला ओके कॉपी करी नेला तो दैट मीन्स से एथि कौन दृढ़ दृढ़ोक्ति सहित से कहीपरिवे कि एप्पल कंपनी ही फर्स्ट इनसर्ट करथिला इंस्टॉल करथिला टाइपोग्राफी कंप्यूटर रे ओके इट इज लाइक नो पर्सनल कंप्यूटर वुड हैव देम दैट मीन्स फर्स्ट किए एप्पल इंटरनेशनल कॉर्पोरेशन निजर डिजाइनिंग कंप्यूटर मैकिंटोश रे इनसर्ट कला तापर माइक्रोसॉफ्ट रो विंडोज ताकू पुणी नेकि कॉपी कला ताठु इफ आई हैड नेवर ड्रॉप्ड आउट आई वुड हैव नेवर ड्रॉप्ड इन ऑन दिस कैलीग्राफी क्लास एंड पर्सनल कंप्यूटर्स माइट नॉट हैव द वंडरफुल टाइपोग्राफी दैट दे डू टी कहले कि मुझे से क्लास छाड़ी न था रेगुलर क्लास छाड़ी न था टाइपोग्राफी क्लास रे कैलीग्राफी क्लास रे इनसर्ट ही न था कैलीग्राफी क्लास रे बसी न था एंड जो आजिकल जो कंप्यूटर टा अच्छी तो से माने ए ब्यूटीफुल टाइपोग्राफी टा को पाई न था अफकोर्स इट वॉज इम्पॉसिबल टू कनेक्ट द डॉट्स लुकिंग फॉरवर्ड व्हेन आई वॉज इन कॉलेज बट इट वॉज वेरी वेरी क्लियर लुकिंग बैकवर्ड्स
10 years later. तो ये कहले कि इट इज अ वेरी डिफिकल्ट फॉर ए पर्सन टू कनेक्ट डॉट्स ऑफ हिज फ्यूचर और हर फ्यूचर. आम आम फ्यूचर में कौन घटनाटा घटव आम भाग्य कौन अच्छी आम रिजल्ट कौन आसब कार्यर से आम के कौन देखिपर ना किंतु 10 वर्ष पूर्वे बीती जाइथिबा घटना को कि अतीतर घटी जाइथिबा घटना को आम मन पकई आम हाँ तर्जमा कर पारिबा कि सेटा आम लाइफ रो ठीक डिसीजन थिला कि भूल डिसीजन थिला. तो ये स्टीव जॉब्स कहिबा पई चाहूचंती कि जेतेबेले मु कॉलेज रे पढ़ुथिली कॉलेज रो कोर्स रु ड्रॉप आउट हेतिली कैलीग्राफी क्लास रे निज इंटरेस्ट सहित बसुथिली टाइम टाकु स्पेंड करिया पई से समय रे मु जानि नथिली कि एटा मते बेनिफिटेड हबो कि नाही. से समय रे से जानि नथिली तार फ्यूचर रे प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन कौन हबो फ्यूचर रे को प्रकार कैलीग्राफी क्लास रे मते सपोर्ट दबो को प्रकार मते हेल्प करिवो से किछि जानि नथले. किंतु जेतेबेले से डेवलप करिने ले मैकेंटोस न्यू कंप्यूटर डेवलप कले मैकेंटोस तापर से टाइपोफेस देले कैलीग्राफी को इनसर्ट कले से जानिपारे कि अतीत जो डिसीजन टा मुँ नहीं से मोपाई सब कौन पॉजिटिव सब्यस्त होइछि. ओके एंड बट इट वाज वेरी वेरी क्लियर लुकिंग बैकवर्ड्स 10 years लैटर. ओके अगेन यू कैन कनेक्ट द डॉट्स लुकिंग फॉरवर्ड यू कैन ओनली कनेक्ट देम लुकिंग बैकवर्ड्स. So you have to trust that the dots will somehow connect in your future. तो जेमिति आमे हमर फ्यूचर रो घटना बड़ी को निजर वर्तमान से तो कनेक्ट करि पारु नाहु कोन घटनाटा घटिबो कि कोन हमर रिजल्ट आसीबो कोन फ्रूट आसीबो सेटा आमे कनेक्ट करि पारु नाहु. केवल आमे अतीत को वर्तमान से तो कनेक्ट करि पारिबु कि अतीत को वर्तमान से तो तर्जमा करि पारिबु किंतु भविष्य को वर्तमान सहित आम तर्जमा करि पारिबु नाही. किंतु एठी स्टीव जॉब्स कर कहिबार उद्देश्य होछि आमे निश्चित भाव रे कोन ट्रस्टफुल थिबा दरकार आम विश्वास थिबा दरकार कि जेमिति आमर अतीत वर्तमान सहित जड़ित होइकी अछि. मु तुमको लास्ट वीडियो रे फर्स्ट पार्ट रे मु तुमको कहिथिली कि आवर प्रेजेंट इज द रिफ्लेक्शन ऑफ आवर पास्ट. आम अतीत जो प्रकार काम करिथाउ तार प्रतिफलन आम वर्तमान थाए आम वर्तमान जो अवस्था रे थाउ. ओके अतीत रे करिथिबा कर्मर सेटा फल थाए. ओके एंड आम भविष्य फल वर्तमान रे आमर निर्धारण करिवो आम वर्तमान जो प्रकार कार्य करिबा भविष्य रे तार सेई प्रकार फलटा निश्चित फलिबो. तो एथिरे आम कौन दृढ़ोक्ति थिबा दरकार एथिरे आमर विश्वास थिबा दरकार जेमिति आमर वर्तमान अतीत सहित कनेक्ट होइके अछि सेमिति निश्चित भाव रे आमर फ्यूचर रो कनेक्शन वर्तमान सहित अछि. दैट मीन्स आम जेतेबेले आम लाइफ रो इवेंट को पास्ट रे घटी जाइथिबा इवेंट प्रेजेंट रे होथिबा इवेंट एंड फ्यूचर रे घटिबा को थिबा इवेंट को जेतेबेले आम जोग करिबा से तीनटा को गोटे डॉट रे जोग करिबा तीनटा के आम सरल रेखा रे पाइबा एटा स्टीव जॉब्स कहिबा पई चाहूचंती. ओके सो यू हैव टू ट्रस्ट दैट द डॉट्स विल समहाउ कनेक्ट इन योर फ्यूचर. You have to trust in something, your gut, destiny, life, karma, whatever. Okay? So, it is called Dudaktra Saita Se Kochanti, the Manishapu Vishwas Karibaku Haba. Okay? Koko Jinsa Upare, Nija Upare Vishwas Thiva Darkar, Nijara Gut Upare, Nijara Sahasa Upare Vishwas Thiva Darkar, Nijara Destiny Bhagya Upare Vishwas Thiva Darkar, Jivan Upare Vishwas Thiva Darkar, Nijara Karma Upare Vishwas Thiva Darkar. ओके व्हाट एवर तुम जोटा को तुम निजर पॉजिटिविटी बोली भाव जोटा को तुम निजर स्ट्रेंथ बोली भाव ताऊपर निजर दृढ़त्वर सहित विश्वास थिबा दरकार तेबे जाएकि तुम जीवन में सफल हब. ओके एंड लाइफ रे जो डिसीजन नौछ सेटा स्ट्रांगली नियो. ओके से केबे रिपेंट करो नाही केबे पश्चाताप करो नाही. ओके तेबे जाएकि निश्चित भाव रे तुम सफल हब. This approach has never let me down and it has made all the differences in my life. तो से कहिले कि से निज उपरे तांकर दृढ़ विश्वास रहुथला से जहाँ करुथले ताहा उपरे विश्वास करुथले निज भाग्य उपरे विश्वास करुथले निज कर्म उपरे विश्वास करुथले निज गट उपरे दैट मीन साहस उपरे विश्वास करुथले साहस आमे एडी कॉन्फिडेंस भी कहि परिबा. तो सेटा को से केबे ही हैज नेवर लेट मी डाउन. ओके तो एई प्रकार जो अप्रोच तार थिला तांकर थिला. ओके जो कारण स्टीव जॉब्स का जो अप्रोच था थिला जो चिंताधारा था थिला तांकर
व्यक्ति एटा तांकू केबे तळकू पकेयाकू देई नाही, दैट मीन्स तांकू केबे फेलवर हवाकू देई नाही कि तांकू केबे कोन डीमोरलाइज्ड करी नाही, तांको कॉन्फिडेंस लेवल को केबे ब्रेक करी नाही, एंड इट हैज मेड ऑल द डिफरेंसेस इन माय लाइफ, दैट मीन्स तांकर जो निजो उपरे कॉन्फिडेंस, निजर कर्म उपरे, निजर लाइफ उपरे, निजर डेस्टिनी उपरे जो कॉन्फिडेंस थिला सेटा जो डिफरेंस टा क्रिएट करची, दैट मीन्स वर्तमान से जो स्टूडेंट मानक सामना रे ठिया आइकी प्रेजेंटेशन दोउछंती, स्पीच दोउछंती, वडे कोन रिलायबल पर्सन जणे ग्रेट बिजनेसमैन है कि जणे ग्रेट विजनरी है कि से माने गोटे सक्सेसफुल पर्सन ऑफ हिज लाइफ है कि जेते से सामना रे थिया छंती से कहउछंती तो ए लाइफ रे मु जो ए डिसीजन नै थिली से ते केबे मु पश्चाताप करी नाही, तो हे जिबाई मु आजि जो डिफरेंस टा पाई परुसी पूर्वे मु केमिति फेलवर थिली कि मो निजर कॉलेज ग्रेजुएशन टा को कंप्लीट करी पार नथली, कॉलेज डिग्री हासिल करी पार नथली सत थिला, किंतु वर्तमान आज मु गोटे सफल उद्योगी हिसाब रे, सफल मनीष हिसाब रे मु तमानक सामना रे ठिया हेछि, दैट मीन्स ए तोरा मे जानि परले जे आमे निजर कर्म उपर विश्वास करबा दरकार, निजर भाग्य उपर विश्वास हमर थिबा दरकार, आ निजर निज उपर विश्वास थिबा दरकार, तेबे जाय कि आमे निश्चित भाव रे सफल हे परबा। तो एठी मु गोटे रिक्वेस्ट करबी तमानक कि ए जो स्टे हंग्री स्टे फुलिश रो जो फर्स्ट यूनिट टा आम दुटा पार्ट रे आम डिवाइड करी आम डिस्कशन कलु ता विषय कम्प्लीटली जानवापी फर्स्ट पार्ट टा को फर्स्ट यूनिट रो फर्स्ट पार्ट फर्स्ट यूनिट रो सेकंड पार्ट टा को कम्प्लीटली देख ओके निजर कौन सी डाउट थे कमेंट सेक्शन में निजर डाउट तुम पचारि पार ओके एंड एट लास्ट वीडियो टा को कम्प्लीट देखापर ताक लाइक कर शेयर कर एंड निजर कमेंट्स टा को निजर रिव्यू टा को निश्चित भाव में कमेंट सेक्शन में दबो जहाद्वारा कि तुम जो प्रॉब्लम टा थी तुम जो डाउट टा थी मुझ तुमको से कमेंट सेक्शन में हो कि तुमको मेसेज करम डाउट टा को क्लीयर कर। थैंक्स फॉर वाचिंग माय वीडियो।